हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हेयर वाइटलाइजर क्या होता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिसको नहीं पता हेयर वाइटलाइजर क्या है, या आप इसको पहली बार सुन रहे हैं, तो वेलकम टू द कंपनी, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था बहुत टाइम तक। अभी मैंने रिसेंटली इसको फाउंड करा है। मैंने इसको जब ट्राई किया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ बेसिकली अ हेयर सीरम। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जो हेयर वाइटलाइजर है वो इंडलजियो का है। आप किसी भी ब्रांड का हेयर वाइटलाइजर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो हेयर वाइटलाइजर, लग्जूरियंट हेयर वाइटलाइजर सेल करती है, जो ब्लाइजर बनाती है। सो जो मैंने देखा वो इंडलजियो एसेंशियल्स लक्जरी हेयर वाइटलाइजर है। सो ब्यूटीज, व्हाट इज दिस हेयर वाइटलाइजर? वाइटलाइजर होता क्या है? ये बेसिकली एसेंशियल ऑयल्स का एक मिक्सचर होता है, जो आपके हेयर को हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके बालों को थिक बनाता है, शाइन देता है बालों में, बहुत ज्यादा जो जान दे देता है। बेसिकली आपके बाल बहुत ज्यादा ही लस्ट्रस, थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। स्काल्प में अगर डैंड्रफ है, इचिनेस है, उसको रिमूव करता है। बिकॉज ब्यूटीज, हर एसेंशियल ऑयल का एक अपना एक काम होता है, एक वर्क होता है, जो आपके बालों में हेल्प करता है उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लेते हो, वो आपके डैंड्रफ को, आपके हेयर को लस्ट्रस बनाता है। तो ऐसे अलग अलग एसेंशियल ऑयल का काम होता है अलग अलग। तो अगर हम उन सब एसेंशियल ऑयल को एक साथ मिक्स कर दें तो हेयर वाइटलाइजर बन जाता है। हेयर वाइटलाइजर को जब हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर देता है। ये चीज़ मैंने इसको जानी, इसको यूज़ करने के बाद मैंने पढ़ा इसके बारे में पहले, फिर मैंने ऑर्डर किया। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैंने खुद बाय किया और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आपको यही वाइटलाइजर खरीदना है जो मैं यूज़ करती हूँ। सो इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं वो हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, तुलसी एसेंशियल ऑयल, जिंजर रूट एसेंशियल ऑयल, देन देयर आर वेरी ड्राई ऑयल्स, विच हेजल एसेंशियल ऑयल, देन देयर इज विटामिन ई, देयर इज ऑनियन सीड ऑयल, देयर इज तुलसी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, देयर इज जजुबा ऑयल, देन रोजमेरी आई हैव ऑलरेडी सेड। देन बेसिकली ये सारे एसेंशियल ऑयल्स का मिक्स है। और ब्यूटीज, इसकी द बेस्ट पार्ट, ये नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी है। इसको लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूजुअली अगर हेयर क्रीम लगाते हैं, हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं कुछ भी, तो उसके बाद हमें हेड वॉश करना पड़ता है। बट इसको लगाने के बाद आपको कोई हेड वॉश की ज़रूरत नहीं है। और इसके आपको फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं और अपने स्काल्प पे लगाने हैं हर रोज सोने से पहले। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट, अप्लाई इट ऑन योर स्काल्प एंड लीव इट ओवरनाइट। आपको पूरा ओवरनाइट को इसको लगा के छोड़ देना है। मैं आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ। यहाँ मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स लिए। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स एडेड हैं। तो ये लिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैंने डाला स्काल्प में हल्का हल्का। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कॉम लेनी है और उसको हल्का सा ऐसे जस्ट आपको उसको स्प्रेड कर देना पूरे हेयर पर। दैट्स इट। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। जैसे मेरे बाल थे उसने वैसे ही रखा है उनको। तो बस इसी तरह आपको इसको रोज रात को लगाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठोगे, आपको आपके हेयर इतने ज़्यादा अच्छे से बाउंसी लगेंगे, बहुत ज़्यादा। ये बालों को बाउंसी बनाता है, बालों को थिक बनाता है। और मैंने इन जस्ट वन वीक, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट देख लिया था, इसलिए मेरे बाल सच में काफ़ी अच्छे बनाए थे। सो बेसिकली जो इसको यूज़ करने के बाद जो मैंने पर्सनली देखा वो ये चीज़ थी, इसने मेरे बालों को हैवी बनाया था। मेरे जो स्काल्प है, अगर आपके स्काल्प में बाल्डनेस है, आपके स्काल्प में बाल कम है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। अगर आपके हेयर में स्प्लिट एंड्स है, आपके फ्रिजीनेस है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। आपको बालों में शाइन चाहिए, थिक चाहिए आपके बाल नीचे से भी, तो भी आपको यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये सॉल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। द बेस्ट थिंग ब्यूटीज, इसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी अगर प्राइस मैं कहूँ तो 800 समथिंग है। यस, अगर मैं इसका लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 800 समथिंग इसका प्राइस है। बट ये इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी है, 120 ml है, और ये सिर्फ थोड़े से ड्रॉप्स लगते हैं, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स आपको आपके स्काल्प पे डालने हैं बस। सो ब्यूटीज, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। कुछ भी अगर डाउट्स हैं, रिकमेंडेशन है, जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम श्योरली गोना आंसर यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स।